हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मेघराज सिंह भाटी आपको ज्योग्राफी पढ़ाता ही हूँ। जैसा कि आपको जानकारी है, आज मैं आपको भूआकृतिक प्रक्रियाएं समझाता हूँ। तो ये जो भूआकृतिक प्रक्रियाएं हैं, ये पृथ्वी पर दो प्रकार की शक्तियों से बनती हैं। इसी में मैं पहले जरा सी और एक बात का परिचय दूँ। हम ये भी कह देते हैं कभी कभी कि इस पृथ्वी का जो पर्यावरण है, तो ये पर्यावरण का निर्माण कैसे हुआ। साधारण भाषा में पर्यावरण का तात्पर्य है पड़ा हुआ आवरण। जिस तरह कोई आदमी कोई कपड़ा ओढ़ ले, वो उसके ऊपर आवरण हो गया। ठीक इसी तरह से इस पृथ्वी के ऊपर कहीं पेड़ पौधे हैं, कहीं पर्वत हैं, कहीं समुद्र है, कहीं नदियाँ हैं, कहीं पठार है, ये सब पृथ्वी के पर्यावरण हैं। और इनका निर्माण पृथ्वी स्वयं करती है, प्रकृति स्वयं करती है। वैसे कुछ मानव द्वारा भी पृथ्वी के ऊपर पर्यावरण बनाए जाते हैं, लेकिन उनका बड़ा महत्व तो नहीं होता। जो प्राकृतिक तौर पर पृथ्वी के ऊपर परिवर्तन आता है, हमारा संबंध उससे है। तो मैं आपको भूआकृतिक प्रक्रियाएं समझाता हूँ। ये भूआकृतिक प्रक्रियाएं दो कारणों से बनती हैं। नंबर एक, आंतरिक शक्तियां नंबर दो, बाह्य शक्तियां। दूसरे रूप में हम इन्हें आंतरिक शक्तियों को हम कहते हैं निर्माणकारी शक्ति और बाह्य शक्तियों को कहते हैं विनाशकारी शक्ति। पहले ये निर्माणकारी शक्तियों के विषय में मैं आपको समझाता हूं और उसके बाद विनाशकारी शक्तियों के। यद्यपि ये जो निर्माणकारी शक्तियां हैं, ये पृथ्वी के धरातल के ऊपर भू आकारों का निर्माण कर देती हैं, जिससे कहीं समुद्र बन जाता है, कहीं पर्वत बन जाता है, कहीं नदी बन जाती है, कहीं पठार बन जाता है। और ये विनाशकारी शक्ति जो पृथ्वी अपने धरातल में निर्माण कार्य करती है, उनको नष्ट करके समाप्त करके धरातल को समतल करने का कार्य हर समय करती रहती है। अब मैं ये निर्माणकारी शक्तियों के विषय में आपको बताता हूँ। ये जो निर्माणकारी शक्तियाँ हैं, इनका इनकी ये किस तरह कार्य करती हैं, ये पृथ्वी के अंदर पृथ्वी की अपनी शक्तियाँ हैं। पृथ्वी के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, जैसे यूरेनियम थोरेनियम है, रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं। यदि इन्हें पास पास लाया जाता है इस तरह से, तो इनमें बहुत भयंकर विस्फोट होता है और इन्हीं विस्फोटों के द्वारा हम परमाणु जो बिजली करें, उनसे हम बिजली बनाते हैं, जिससे बहुत सारे कार्य होते हैं। तो इसी तरह के ये सभी पदार्थ पृथ्वी के अंदर मौजूद हैं, और ये पदार्थ ऐसे हैं जो हर समय एक जगह नहीं रुकते, ये खिसकते रहते। इनके खिसकने की वजह से ही ये जो निर्माणकारी शक्तियां हैं, उनसे ये भू आकारों का निर्माण होता है। अब इनके विषय में मैं अलग अलग आपको बताता हूँ। जैसे निर्माणकारी शक्तियां यदि विपरीत दिशाओं से पृथ्वी के अंदर, ये पृथ्वी का धरातल है,
पृथ्वी के अंदर यदि ये शक्तियाँ विपरीत दिशाओं की तरफ से एक स्थान की तरफ यदि आती हैं तो ये शक्तियाँ इस तरह से बल लगाती हैं और बल लगाने से पृथ्वी का जो धरातल है वो धरातल या तो उसमें मोड़ पड़ जाते हैं, वलय पड़ जाते हैं और इस तरह से ऊंचे नीचे हो जाते हैं, या यदि वो कठोर सेलों का बना धरातल होता है तो वो सेलें बीच में से टूट जाती हैं और सेल के ऊपर सेल इस तरह से नीचे ऊपर चढ़ जाते हैं। यदि इसमें वलय पड़ते हैं इस तरह से तो ये जो ऊपर उठा भाग है इनको कहते हैं वलित पर्वत। और ये जो नीचे नीचा भाग है इसे कहते हैं सागर। यदि ये सेलें एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं वो स्थिति ऐसी होती है कि ये जो धरातल की सेलें हैं इस तरह से हैं, मानो ये सेलें कठोर हैं और पृथ्वी के अंदर विपरीत दिशाओं की तरफ से शक्तियाँ इस तरह से आई, उन्होंने बल लगाया, तो इस स्थिति में ये सेल कहीं ना कहीं से टूट जाती हैं और टूटने के बाद में फिर एक सेल के ऊपर दूसरी सेल चढ़ जाती है। इस तरह से एक सेल के ऊपर दूसरी सेल जब चढ़ जाती है तो ये ऊपर उठा भाग है ये पर्वत हो जाता है, नीचे धसा भाग समुद्र बन जाता है। दूसरा एक और भी इसका व्याकरण है कि यदि सेल के ऊपर सेल चढ़ गई तो इस तरह की आकृति बन गई। यदि ऐसा भी हो जाता है ये सेलें हैं ये एक स्थान से ज़्यादा जगह यदि टूट जाती है, एक यदि एक स्थान पर टूटी तो ये स्थिति हो गई, यदि एक के बजाय कई जगह से यदि ये टूट जाए ऐसे मानो टूट गई तो फिर स्थिति ये हो जाती है स्थिति ऐसी हो जाती है कि एक भाग नीचे हो गया, इधर का भाग ऊपर हो गया, इधर का भाग ऊपर हो गया, इन्हें ब्लॉक पर्वत कहते हैं। कभी कभी ये तो विपरीत दिशाओं से यदि शक्तियां आती हैं तब ये स्थिति बनती है। अगर ये शक्तियां एक स्थान से विपरीत दिशा की तरफ यदि चलती हैं यदि ये शक्तियाँ एक स्थान से विपरीत दिशा की तरफ चलती हैं तो उस स्थिति में खिंचाव बनता है पृथ्वी के धरातल में। इस तरह से धरातल है, जब खिंचाव बनेगा तो इस तरह से धरातल टूट जाएगा और टूट जाने पर स्थिति इस तरह की हो जाती है ये दोनों तरफ ये जो भाग है ये पर्वत रह जाते हैं और ये जो बीच का नीचे का भाग है जब धरातल टूट जाता है तो रिफ्ट घाटी बन जाती है। इस तरह से ये दोनों तरफ पर्वत बन गए और बीच में जो नीचे का भाग हो गया ये रिफ्ट घाटी हो गई, इसमें पानी भर गया, पानी भर जाने पर ये समुद्र हो जाता है। ये मैंने कुछ जो शक्तियाँ दिखाई नहीं देती उनके द्वारा बने हुए भूआकारों के विषय में आपको कुछ समझाया। अब एक और कारण होता है भूआकृतिक बनाने का, वो भी जरा देखिए।
ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के पृथ्वी का धरातल पृथ्वी का जो केंद्र है, केंद्र का तापमान बहुत अधिक होता है और यहाँ की जो पदार्थ है वो पिघली अवस्था में पाया जाता है। पिघली अवस्था के पदार्थ को ज़्यादा स्थान चाहिए, जबकि पृथ्वी का धरातल बाहर से इस केंद्र के पदार्थ को खींचे रहता है, जिससे इसे पूरा स्थान नहीं मिल पाता। तो ये केंद्र का जो पिघला पदार्थ है, ये हर समय ये प्रयास करता रहता है कि किसी तरह उसे ज़्यादा स्थान मिल जाए। तो इस पृथ्वी के धरातल पर जिस भी दिशा में इस पिघले पदार्थ को कुछ कम भार मिलता है, तो ये उसी तरफ को ये जो पिघला पदार्थ है इस तरह से बल लगाता है। जब ये पिघला पदार्थ ऊपर उठा तो पृथ्वी का जो धरातल है वो भी ऊपर उठ जाता है। तो इस दिशा में यदि ये पदार्थ बाहर निकलने के बजाय ऊपर उठते उठते और बीच में यदि शांत हो जाता है, तो यहाँ पर ये गुंबद जैसा बन जाता है, इसे गुंबद नुमा पर्वत कहते हैं। और यदि ये पदार्थ इस धरातल को तोड़कर बाहर निकल जाता है, इसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। इस तरह से ये जो आंतरिक शक्तियां हैं ये भूआकार का निर्माण करती हैं। अब सुनिए बाह्य शक्तियां, आंतरिक शक्तियों के द्वारा जो ये भूआकार का निर्माण हुआ, बाह्य शक्तियां। अब जैसे यहाँ पर बलित पर्वत है, ये पर्वत है, जब वर्षा होती है या पर्वत के ऊपर बर्फ जमती है तो तापमान के प्रभाव में आकर वो बर्फ पिघलती है, यहाँ पर मानो बर्फ है। जब बर्फ पिघलती है तो उसका पानी बनकर नीचे की तरफ को चलता है। जब नीचे की तरफ चलता है तो ये पानी अपने साथ में यहाँ की जो सैलें हैं उन्हें खरोंच खरोंच कर अपने साथ बहा कर ले जाता है, और आगे चलकर जहाँ कहीं पानी का वेग धीमा पड़ता है यहाँ पर तीव्र वेग होता है, यहाँ पर जब धीमा पड़ता है तो पर्वत से जो ये पानी अपने साथ मलबा बहा कर लाया, उस मलबे को धीमा वेग होने पर यहाँ छोड़ देता है, और ये मलबा धीरे धीरे, ये पानी आगे चलकर धीरे धीरे नदियों में परिवर्तित हो जाता है, और वो नदियाँ अपने साथ लाए हुए पदार्थ को, नदियाँ आगे जाकर कहीं ना कहीं समुद्र में गिरती हैं, और समुद्र में जब गिरती हैं तो पूरे पदार्थ को वहाँ पर छोड़ देती हैं, और इस तरह से धीरे धीरे समुद्र का जो भाग है वो मिट्टी से पटता चला जाता है। और भारत में गंगा नदी का डेल्टा है सुंदरवन, संसार में सबसे बड़ा डेल्टा है, वो गंगा नदी ने मलबा बहाकर समुद्र में डालकर उसका निर्माण किया है, ये उसका उदाहरण है। इसी तरह धीरे धीरे लाखों करोड़ों वर्षों में नदियां उस पर्वत को खरोंच खरोंच कर बिल्कुल समाप्त कर देती हैं और समतल बना देती हैं, उस स्थिति में उस पर्वत को कहते हैं अवशिष्ट पर्वत।
इस तरह का आकार रह जाता है उसे कहते हैं अवशिष्ट पर्वत। जब पर्वत का निर्माण होता है वो पर्वत की बाल्या अवस्था होती है। निर्माण होने में भी पर्वत को काफ़ी समय लगता है। जैसे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ तो हिमालय पर्वत का निर्माण होने में तीन प्रक्रियाएं हुई। नंबर एक प्रक्रिया से ग्रेट हिमालय का निर्माण हुआ जिसमें संसार की सबसे बड़ी ऊंची ऊंची चोटियां हैं। दूसरी प्रक्रिया में मध्य हिमालय का निर्माण हुआ जिसमें मीडियम ऊंचाई की चोटियां हैं। और तीसरी प्रक्रिया में शिवालिक श्रेणियों का निर्माण हुआ। इस तरह से तीन बार में हिमालय का निर्माण हुआ। लेकिन बाह्य शक्तियाँ जब इसे अपना कार्य करना शुरू कर देती हैं, जब कोई पृथ्वी का भूभाग ऊपर उठ जाता है तभी से नदियाँ या बर्फ़ की नदियाँ या वर्षा का पानी ये सब उस ऊंचे भाग को खरोंच खरोंच कर धीरे धीरे समतल करते रहते। ये मैंने बाह्य शक्तियों में एक पानी का रूप आपको बताया। दूसरी शक्ति होती है वायु। वायु भी जब तीव्र गति से चलती है, जब धरातल की सैलों से टकराती है तो धरातल की सैलों को धीरे धीरे खरोंचती है। खरोंचती कहते हैं कि वायु अपने साथ में जो धरातल के ऊपर धूल कण कुछ मोटे कण होते हैं उनको भी अपने साथ में उड़ा लेती है। आगे चलकर वो जो कण हैं वो दूसरी सैलों से टकराते हैं, टकराने से वो दूसरी सैलों को भी तोड़ना शुरू कर देते हैं। और इस तरह से जो टकराए जिनसे भी वो वायु के पदार्थ टकराते हैं उसको खरोंच खरोंच कर नीचा करते रहते हैं और धीरे धीरे वो भूभाग समतल हो जाता है। तीसरा एक कारण और है तापमान। ये भी बाह्य शक्तियां हैं। सूर्य का जब तापमान है, जब जो भूभाग पृथ्वी का सूर्य के सामने सीधा पड़ता है, जैसे पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा है वहाँ पर सूर्य की जो किरणें हैं वो लंबवत पड़ती हैं, तो वहाँ के भाग को ये तापमान ज़्यादा गर्म कर देता है। गर्म करने से सेलें फैलती हैं। रात्रि के समय तापमान कम होता है तो कम तापमान में वो सेलें सिकुड़ती हैं और इस तरह से सेलों का फैलना और सिकुड़ने की प्रक्रिया से उन सेलों में दरार पड़ जाती है। जैसे ये सेल है दिन के समय तीव्र तापमान होता है और रात्रि के समय कम तापमान होता है। अब ये प्रक्रिया रोज चलती है। रोज चलने से ये सेलें फैली फिर सूखनी, फैली फिर सूखनी, इस तरह से जब रोज ये प्रक्रिया होती है तो सेलों में दरार पड़ जाती है। और जब धीरे धीरे दरार पड़ते पड़ते यदि ये स्थिति पर्वतीय क्षेत्र में होती है, जैसे मानो कोई पर्वत है, ये पर्वत है और इस पर्वत में इस तरह से दरार पड़ गई, तो सैल अपने भार के कारण इसके यदि इसका भार इधर को झुका तो ये सैल यहाँ से टूट जाती है और टूट करके नीचे गिर जाती है और फिर उसके बाद में बाह्य शक्तियाँ हवा पानी
इन सेलों को खरोंच खरोंच कर आगे बढ़ा देते हैं, और इस तरह से ये प्रक्रिया पृथ्वी में हर समय चलती रहती है, और पृथ्वी के आंतरिक शक्तियाँ भू आकारों का निर्माण करती रहती हैं, बाह्य शक्तियाँ उन बने हुए आकारों को समाप्त करती रहती हैं, जिससे यही प्रक्रिया पृथ्वी पर हर समय चलती रहती है, तो जिससे पृथ्वी का संतुलन भी बना रहता है। क्योंकि जहाँ पर पृथ्वी ने पर्वत बनाया, माना यह जाता है कि उसके विपरीत दिशा में पृथ्वी समुद्र बनाती है, तो पृथ्वी का मलबा एक तरफ को बढ़ता है तो दूसरी तरफ को अंदर जाता है। माना यह जाता है कि ये इस तरह से पृथ्वी का जो भार का संतुलन है वो संतुलन बिगड़ने का डर रहता है, तो ये बाह्य शक्तियाँ उस संतुलन को बना देती हैं, वहाँ से मलबे को खरोंच कर फिर समुद्र में पहुँचा देती हैं, और इस तरह से पृथ्वी का जो संतुलन है वो भी बना रहता है। कभी कभी यदि ये बाह्य शक्तियाँ जितने पर्वत जैसे क्षेत्रों से अधिक मलबा उठाकर समुद्र में डाल देती हैं, उस स्थिति में भी पृथ्वी के संतुलन में कमी आ जाती है, और पृथ्वी अपना संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ ही सेकंडों में अपना इतना भार का मलबा उधर को खिसका देती है, जिससे पृथ्वी अपना संतुलन बनाए रहती है। यही प्रक्रिया हर समय चलती रहती है, जिससे ये भू आकृतिक प्रक्रियाएँ चलती हैं।